रायबरेली में एनएच 232 पर गिगासो गंगा घाट में बना गंगा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर देर रात एनएचआई के इंजीनियर आयुष्मान सिंह और सेतु निगम के इंजीनियर प्रकाश चंद्र त्रिपाठी और एसडीएम लालगंज अजीत प्रताप सिंह, सैनिक कोतवाल हरकेश सिंह, गेगासो चौकी इंचार्ज अजीत सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां घंटों जांच पड़ताल के बाद एनएचआई के इंजीनियर और सेतु निगम के इंजीनियर ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुल के हिस्से को एक सप्ताह में ठीक करा लिया जाएगा। फिलहाल पुल के क्षतिग्रस्त होने से कोई हादसा न हो इसके लिए बैरिकेटिंग करके रेडियम पट्टी लगाई गई है। फिलहाल आज गुरुवार से रिपेयरिंग का काम शुरू होगा। दरअसल लखनऊ फतेहपुर हाईवे पर रायबरेली जिले के गेगासो गंगा घाट पर बने इस गंगापुर में से प्रतिदिन बांदा की तरफ से सैकड़ों ट्रक गिट्टी और मोरंग लेकर आते हैं और जो ओवरलोड रहते हैं जिसके चलते पुल क्षतिग्रस्त हो जिसकी वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। संवाददाता श्रवण कुमार रायबरेली।